हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है 16 और 17 तारीख को। 16 तारीख की सुबह से ही, यानी कि 15 तारीख जो आज है, 15 तारीख तो 15 तारीख की रात्रि में 3:15 बजे से लेके और 16 और 17 तारीख को रात्रि में 4:00 बजे, यानी कि 18 तारीख का सुबह हो जाएगा और 17 तारीख की रात्रि रहेगी। तो कहना चाहिए कि मूल रूप से 16 और 17 तारीख, तो इस समय जो योग संयोग बनने वाला है ये बड़ा ही दिव्य है और आपको बहुत विशेष लाभ मिल सकता है। इसका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब चीजें समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का परिवर्तन अब मेष राशि को चंद्रमा छोड़ के 16 तारीख को सुबह ही 3:15 बजे ये प्रवेश कर जाएंगे वृषभ पर, जो कि वृषभ पर देव गुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, तो जिससे बड़ा ही दिव्य राजयोगों में से श्रेष्ठ राजयोग में से एक माना जाता है। चंद्रमा का और देव गुरु बृहस्पति का ये जो दिव्य योग बनता है गज के योग, तो ये बहुत विशेष फलों को देने वाला होता है। परंतु ये पूर्णतः जब बने, ये जो योग बनने वाला, इसमें सूर्य की और बुध की भी दृष्टि होगी और केतु की भी दृष्टि होगी, जो कि कहीं ना कहीं योग के फल में कमी लाने वाली हो सकती है। परंतु यहां पर क्या भी, क्योंकि चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हैं, इसलिए और भी विशेष रूप से बेहतर फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आइए समझते हैं क्या हमें लाभ मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये जो परिवर्तन है चंद्रमा का, आपकी ही राशि वृषभ में होने जा रहा है, ये आपकी लग्न है तो आपके लग्न में होने जा रहा है, तो ये आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला। आप यदि मानसिक तनाव से घिरे हुए थे तो मानसिक तनाव को कम करने वाला, और आपके जीवन में आप जो निर्णय ले रहे थे और यदि वो निर्णय लेने के बाद जब आपको बाद में लगता था कि ये निर्णय मुझे नहीं लेना चाहिए था, तो ये जो समस्या हो रही थी, क्योंकि जीवन में हम जो भी आज हैं, जहां पर भी हैं, हमारे निर्णय ही हमें पहुंचाते हैं, हमारी सोच ही हमें पहुंचाती है, तो इस समय आप सही निर्णय ले पाएंगे जिसकी वजह से आपको कई सारे कार्यों में आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में यदि आप परेशान हैं, दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में, क्योंकि आज के समय में आए दिन डिवोर्स के केस होते रहते हैं, आए दिन लोग अपने दाम्पत्य जीवन से दूर होते रहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते, तो यदि दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में कलह का माहौल बना हुआ है, आए दिन लड़ाई झगड़े बन रहे हैं, वो प्रेम का अभाव नहीं है, तो ये समय होगा जिस समय आपके बीच में यदि वाद विवाद है तो उसे दूर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें आप प्रयास कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने बताया कि केतु की भी दृष्टि है, क्योंकि केतु एक ऐसे ग्रह है कि वो अपना प्रभाव तो देते हैं पर उतना ज्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि विच्छेदात्मक होने के बावजूद भी चंद्रमा बहुत मजबूत हैं, इसलिए, पर फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव तो उनका पड़ेगा। और यहाँ पर व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाला, आपके व्यापार में वृद्धि कराने वाला समय होगा। और ये जो समय है, चाहे आप अकेले व्यापार करते हो, चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा जो लोग कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, या आपका व्यापार बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से आपने व्यापार को बंद कर दिया हो, पुनः रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय साबित होने वाला है। ये आपके जीवन में इस समय एनर्जी में वृद्धि भी कराएगा। आप खेल कूद के क्षेत्र में हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, तो
इस समय आपको सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू में, आपकी परीक्षा में, प्रतियोगिता में, खेल कूद के क्षेत्र में है तो भी वहां पर सफलताएं मिल सकती हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो यहां पर आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। तो देखा जाए तो ये चंद्रमा का जो परिवर्तन है ये कई तरह के आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। हमेशा ये ध्यान में रखिए, एक बात से कई लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने चर्चा की तो चंद्रमा का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम दे रहा है, परंतु यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, तो इनका भी प्रभाव होगा। और साथ में चंद्रमा के अलावा बाकी जो 8 ग्रह हैं वो भी तो अपना प्रभाव दे रहे हैं, तो संभवतः कोई ग्रह बुरा प्रभाव भी दे रहा हो, कोई ग्रह अच्छा भी दे रहा हो। तो आपको मात्र खाली इसीलिए कहते हैं कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना, जैसे आप इंटरव्यू दे दे के परेशान हो चुके हैं फिर भी आपका जॉब नहीं लग रहा है, इस समय योग संयोग बहुत अच्छे हैं कि आपको सफलताएं मिल सकती हैं। तो आपने सोचा कि चलो ठीक है इंटरव्यू अब हम देते हैं, परंतु संभवतः आपको अपनी अन्य स्थितियां भी देखनी चाहिए, इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे हमने व्यापार की बात की, व्यापार में आप चाह रहे हैं कि नया शुरुआत कर दिया जाए या रिस्टार्ट कर दिया जाए, व्यापार नहीं चल रहा था तो आपको बंद जैसी स्थिति में आ गए, सोचते कि नहीं पुनः शुरू करना है, तो आपने सोचा कि चलो 2 दिन का ये समय बहुत बढ़िया है शुरू करते हैं। तो इसीलिए मात्र जैसे आप चर्चा सुनते हैं अलग अलग ग्रहों की, तो वो ग्रह क्या फल दे रहा है उसकी चर्चा आप सुनते हैं। जैसे हम अभी चर्चा किए चंद्रमा की, बाकी अन्य ग्रह तो अपना प्रभाव दे ही रहे हैं, हो सकता है कोई अच्छा कोई बुरा। इसीलिए जब जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है तो हम सभी ग्रहों को देखते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय में पहुंचते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है क्या तरीका है। तो इसीलिए हमेशा बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि इस समय जो लाभ आपको मिलना है तो वो तो मिलने ही वाला है, तो वो आपको दिखेगा है। अब रही बात कि हमें उपाय क्या करना चाहिए, उसे विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु यदि उपाय करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो उससे कल्याण ही होता है। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, आप कोशिश करिए कि यदि आपके आसपास कोई मंदिर हो वहां पर जाके भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए तो और भी श्रेष्ठ रहेगा। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।